हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने टास्क बार में जो ये आइकन होते हैं इनको कैसे हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के आइकन होते हैं। एक ये जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो वाले होते हैं, दूसरा दोस्तों ये सिस्टम के जो आइकन होते हैं इनको। तो दोस्तों, दोनों को हाइड करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो सिस्टम वाले यानी जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है इसको कैसे हाइड किया जाता है। तो दोस्तों, इसको हाइड करने के लिए बस उस आइकन पे आ जाइए, माउस का राइट बटन दबाइए। राइट बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा वो वाला आइकन हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाले को आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये सिस्टम वाले हैं, सिस्टम वाले को आप ये राइट क्लिक करके हाइड नहीं कर सकते। इनको हाइड करने के लिए एक दूसरा तरीका होता है। तो दोस्तों, इनको हाइड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग में आ जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर चल जाइए। दोस्तों, पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपको नीचे टास्क बार देखने को मिलेगा, तो इसी के बारे में क्लिक कर दीजिए। टास्क बार में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टर्न सिस्टम आइकन ऑन ऑफ। तो दोस्तों, इसी आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी सिस्टम वाले आइकन होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बेसिकली आप यहाँ से किसी भी आइकन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं वॉल्यूम वाला ऑफ करूँगा तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम वाला गायब हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं नेटवर्क वाला जैसे यहाँ ऑफ करूँगा तो देखिए मेरा नेटवर्क वाला यहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह आप यहाँ से किसी भी आइकन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने बस आपको आइकन को ऐड करना सिखाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।